नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज बीकॉम पार्ट सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट संख्या सेकंड में कैश फ्लो स्टेटमेंट की चर्चा कर रहे हैं, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अनुसार इसका है। आज हम चर्चा करेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड से अप्रत्यक्ष विधि से रोकड़ प्रवाह की गणना। अप्रत्यक्ष विधि से रोकड़ प्रवाह की गणना। इनडायरेक्ट मेथड के आधार पे हम कैश फ्लो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर दी ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी डेट है, ईयर है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि डायरेक्ट मेथड के द्वारा हम कैश फ्लो स्टेटमेंट किस प्रकार से बनाते हैं। आज हम इनडायरेक्ट मेथड में देखते हैं। डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ इतना सा अंतर है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें काफ़ी थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में किसी प्रकार का परिवर्तन हमें नहीं करना है। तो हम इनडायरेक्ट मेथड्स की हम बात करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड में सर्वप्रथम हम बात करें तो सर्वप्रथम इनडायरेक्ट मेथड्स में हम लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत। तो पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ज्ञात करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसमें हम लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन यहां कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड हम एडजस्टमेंट में इस प्रकार से करना है, नन कैश एंड नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नन कैश एंड नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम एडलेस करेंगे, जिसमें ऐड हमें करना है, पहला एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन, दूसरे एडजस्टमेंट की हम बात करें खर्चे की, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स या इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स या इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट या फिर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, रिटर्न ऑफ की कैलकुलेशन हम लिखेंगे यहाँ पर। इसमें इंटरेस्ट पेड या रिडम्पशन प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ शेयर या डिबेंचर को हम ऐड करेंगे। लेस हमें करना है इसमें, इसी के अंतर्गत के इसके बाद में हम लेस करेंगे। लेस में कौन कौन से आइटम आ जाएंगे ये जोड़ने के बाद में हमें घटाना है, जिसमें नन कैश एंड नन ऑपरेटिंग इनकम्स अपनी आ जाएंगी, नन कैश एंड नन ऑपरेटिंग इनकम। इसमें प्रथम है लेस में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स असेट्स को यहाँ पर घटा देंगे, और ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व लेस हो जाएंगे। इसमें डिविडेंड रिसीव्ड, जो भी इनकम है उसे हम घटा देंगे।
डिविडेंड रिसीव्ड को लेस करेंगे और इंटरेस्ट रिसीव्ड को हम लेस करेंगे। ये एडजस्टमेंट करने के बाद में हम कैलकुलेट करेंगे कि वर्किंग कैपिटल में कितना परिवर्तन हुआ है और किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। तो ये अपने सामने आ जाएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ये आने के बाद में हमें ऐड करना है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी में कमी को लेस करना है इंक्रीज इन करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स ले लेंगे, यहाँ पर हम करंट एसेट्स लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, फिर ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को। तो इस आधार पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। ये अपने सामने आ जाएगा कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें हमें लेस करना है इनकम टैक्स पेड को, लेस इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड को हमें लेस करना है। उसके बाद में अपना आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को हम ऐड लेस करेंगे। हमारे सामने कैश जनरेट आ जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की। फिर इसी क्रम में हम अगली जो अपनी एक्टिविटीज़ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा की, पुनः थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। बी में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स को हम यहाँ पर समायोजित एडजस्टमेंट करेंगे, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स को, और इसी क्रम में परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम लिखेंगे, और इसी क्रम में हम डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री करेंगे। फिर हमारे सामने आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तीसरी एक्टिविटीज़ है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में मैंने आपको पूर्व के वीडियो में थोड़ा बताया था, जिसमें इशू ऑफ डिबेंचर और भी विभिन्न प्रकार के अंशों का इंक्रीज इन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम और रीपेमेंट ऑफ लोन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडम पेबैक इक्विटी शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग डिविडेंड, डिविडेंड अंतरिम डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, एड नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हमारे सामने आ जाएगी। इसमें हमें ऐड करना है ओपनिंग कैश ऑफ कैश इक्विपमेंट को। इसके बाद में हमें हमारे सामने क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा। इस आधार पे हम आप आसानी से कैश फ्लो स्टेटमेंट ज्ञात कर सकते हैं।
तो इनसे संबंधित प्रश्न हैं जो कि आप आसानी से हल कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसमें हम कई बार नेट प्रॉफिट की कैलकुलेट हम करते हैं, जिसमें नेट प्रॉफिट करंट ईयर आफ्टर, जिसमें ट्रांसफ़र रिजर्व है, प्रपोज डिविडेंड अंतरिम डिविडेंड, प्रपोज ऑफ टैक्स को जोड़ेंगे, लेस करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स को, इसके आधार पे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चर्चा करें कि किस आधार पे, इनडायरेक्ट मेथड्स के आधार पे हम इसको कैलकुलेट करें। जैसा कि आपके एग्ज़ाम एक प्रश्न है जिसके आधार पे आप आसानी से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ज्ञात कर सकते हैं, उदाहरण संख्या 4, जिसमें आपको कंप्यूट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें अपने को P&L अकाउंट दे रखा है जो कि सैलरी 15,000 है, रेंट 8,000, डेप्रिसिएशन 2,000, 1,000, गुडविल प्रपोज डिविडेंड, ये आपकी टेबल 1.15 पेज पे है RBD बुक में, इसको हम कैलकुलेट करें। तो कैलकुलेट फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की हम गणना करें तो आसानी से हम कर सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम नेट प्रॉफिट लेंगे। नेट प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दे रखा है साफ साफ, जिसमें 21,000 रुपये नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट अपना आ गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें हमें ऐड करना है, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट में बताया। ऐड क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे नन कैश एंड नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, जिसमें सर्वप्रथम है डेप्रिसिएशन आपके क्वेश्चन में साफ दे रखा है 2,200, और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट दे रखिए 1,000, गुडविल दे रखी है 4,000। तो इस आधार पे हमारे 7,000 रुपये क्या आ गए, ये खर्चा आ गया। इसमें हम 21,700 को जोड़ेंगे तो ये हो गए 28,000। अब हम इसमें से लेस करेंगे नन कैश एंड नन इनकम जो भी हैं, नन ऑपरेटिंग इनकम को, इसमें इनकम दे रखी है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, क्वेश्चन में आपके प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड दे रखी है 4,000, इसको हम घटाएंगे। इनकम टैक्स रिफंड दे रखा है, इसको भी हम लेस करेंगे, ये अपनी इनकम है 2,000, ये लेस हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इनको घटाने के बाद में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगी, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन अपने आगे 22,000 रुपये कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। इसमें हम टैक्स पेड घटा देंगे 4,000, तो 18,000 अपना क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इस आधार पे हम इसमें वर्किंग कैपिटल की बात करें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन अपनी 11,000 है, इसमें प्रपोज्ड डिविडेंड को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और प्रोविज़न फॉर टैक्स को भी जोड़ दिया। इस आधार पे हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट होके आ गया। तो हमें नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन्हीं से संबंधित आपकी होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं का। तो आप इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से होने वाले विभिन्न प्रश्नों का आप संक्षेप में अध्ययन करेंगे। तो आपके यूनिट संख्या ये सेकंड क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है, इनसे संबंधित प्रश्न आप सोल्व करना। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग या फोरकास्टिंग की, फाइनेंशियल प्लानिंग और फोरकास्टिंग से संबंधित, और अब हम इनसे संबंधित
जो थ्योरी पर्सन उनके बारे में चर्चा करेंगे थर्ड यूनिट में। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।